और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाशा पटेल साहब, जो कि चेयरमैन हैं महाराष्ट्र सीएसीपी के। पाशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और इनफैक्ट पिछली बार भी हमारी आपसे बात हुई थी सोयाबीन के प्राइस को लेकर, और आपने बहुत मेहनत की थी कि भाई किसानों को अच्छा प्राइस मिले, ड्यूटी भी बढ़ाई गई, लेकिन उसका कोई बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि सोयाबीन के दाम अभी भी एमएसपी से नीचे हैं। महाराष्ट्र सोयाबीन का एक बड़ा उत्पादक राज्य है, आप महाराष्ट्र सीएसीपी के चेयरमैन हैं, आप बताइए सोयाबीन किसानों को कैसे मिलेगा अच्छा भाव? देखिए मृत्युंजय जी, आपने हमने सबने मिलके इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार पे प्रेशर किया और भारत सरकार ने हमारी बात मानी। बिल्कुल, आपकी आपने भी मांगी, हमने भी मांगी, इंडस्ट्री ने भी मांगी, सारों की आवाज भारत सरकार ने सुनी, मोदी जी की सरकार ने, और 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। मगर बात ऐसी है कि 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद तेल के रेट बढ़े लेकिन सोयाबीन के रेट नहीं बढ़े। हमारी सबसे बड़ी चिंता क्या है कि 4,892 रुपये एमएसपी है और बाजार में सोयाबीन 4,000 रुपये चल रहे हैं, राइट, तो करीबन 900 रुपये नीचे चल रहे, एमएसपी के नीचे सोयाबीन के रेट चल रहे हैं। और इसकी वजह क्या है, तो हमारे समझ में एक बात आ गई कि नाफेड के माध्यम से सोयाबीन खरीदी के सेंटर तो निकले हैं, मगर इस सेंटर पे 12 मॉइस्चर का ही सोयाबीन खरीदने का उनको आदेशित किया गया है, लेकिन सोयाबीन 14% से ज्यादा मॉइस्चर आ रहे हैं। अब जब किसान अपना सोयाबीन लेके सेंटर पे जाता है तब उसको अगर 14% या 13% मॉइस्चर है तो सेंटर का मुखिया वो रिजेक्ट करता है, क्यों? तो हमारा कानून तो 12 का है। अब जब वो रिजेक्ट करने के बाद वो सोयाबीन जाता है बाजार में और कौड़ियों के दाम वहां के व्यापारी खरीदते हैं। इस साल बारिश हार्वेस्टिंग के समय बारिश ज्यादा होने की वजह से 20-25% सोयाबीन खराब हो चुका है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है। ऐसे सूरत में ये सारी बातें चल रही है। हमने एमडी नाफेड, इनको तो बात ही किया है, शिवराज सिंह जी को भी बात किया हमने, और पीयूष गोयल जी को भी बात किया हमने, और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जी को भी इस बात की हमने उनके संज्ञान में चीज लाई है। हमने ये कहा है, विषय यह है कि अब इसमें ना दो चीज करे बगैर सोयाबीन का किसान बचने वाला नहीं है। एक तो 12 मॉइस्चर है, 14 का सोयाबीन आया है, तो 2% मॉइस्चर के पैसे किसान को कम दो, लेकिन मान लो तो 14% का मॉइस्चर का सोयाबीन खरीदने से कोई उसके ऊपर मना मत कर होता, वो खरीदना चाहिए। ऐसी हमारी पहली मांग है। शायद मुझे लगता है इस सारे देश के किसानों की हित का ध्यान रखते हुए शायद ये निर्णय हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो कि अब आज तक ऐसा था कि बाहर से आने वाले वेजिटेबल ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से हमारे ऑयल सीड के रेट बढ़ते थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। क्या वजह है? वजह यह है कि 70 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन की डी ऑयल केक बनती है, उसमें 60 लाख मेट्रिक टन पोल्ट्री को जाता है, 10 लाख मेट्रिक टन ए जानवरों के लिए, और 20 लाख मेट्रिक टन एक्स्ट्रा रहता है। अभी 20 लाख मेट्रिक टन ये बचा हुआ बेचेंगे तो सोयाबीन के रेट बढ़ेंगे, क्यों? तो सोयाबीन के रेट का संबंध डी ऑयल केक से है, तो एक क्विंटल सोयाबीन अगर क्रेश करते हैं तो 18 किलो तेल निकलता है, 72 ये निकलता है, डी ऑयल केक निकलता है, तो डी ऑयल केक के रेट पे सोयाबीन के रेट है। अब एक नया करिश्मा हुआ है, वो ये है कि हमने मक्के से और राइस से इथेनॉल बनाने की परमिशन दी गई है। मैंने ऐसा सुना है बाजार में 20 लाख मेट्रिक टन मक्के का और राइस का डी ऑयल केक बाजार में आया है। हमारे सोयाबीन का डीओसी 42 रुपए किलो है, राइस का 24 रुपए किलो और मक्के का 14 रुपए किलो।
14 रुपये किलो का डी ऑयल के बाजार। नहीं पाशा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो DDGS है उससे बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने बढ़िया बात कही कि भाई इसमें जो मॉइस्चर अगर ज्यादा भी आता है तो किसानों से माल लेना चाहिए। अब चूंकि किसानों का माल अभी मार्केट में आ रहा है ना, तो इस वक्त ऐसे डिसीजन चाहिए जो तुरंत प्रभाव से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो, तत्काल प्रभाव से दाम बढ़े। अगर मान लीजिए 2 महीने बाद या 3 महीने बाद दाम बढ़ते हैं तो उसका फायदा फार्मर को नहीं होगा, क्योंकि किसानों के हाथ से माल निकल चुका होगा। तो फौरी तौर पे राहत देने के लिए इमीडिएटली इम्पैक्ट आए मंडियों में, उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो आपने बता दिया मॉइस्चर वाली बात, दूसरा है कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव डी ऑयल केक को दिए बगैर ये मसला हल होने वाला नहीं है। लेकिन उसमें तो ये कहा जा रहा है कि WTO का ऑब्लिगेशन है, वो कर नहीं सकते ऐसा। इसमें कोई दूसरा रास्ता, कोई नया रास्ता, कोई नया फॉर्मूला आज तक तो हमारे समझ में बात नहीं आ रही। हमारे समझ में एक ही बात आ रही है कि हमारे देश से 10-20 लाख मेट्रिक टन डी ऑयल के एक देश के बाहर गए बगैर हमारे ऑयल सीड वालों का, सोयाबीन वालों का जीना आसान नहीं होगा, हम परेशान है। और इसके लिए आज सिर्फ MSP मिलने के लिए ये मॉइस्चर का मसला है, और MSP के ऊपर जाने के लिए डी ऑयल के को एक्सपोर्ट इंसेंटिव देना पड़ेगा। बिल्कुल, इसको कोई भी रास्ता ढूंढो, लेकिन ये रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके सिवा किसानों का भला नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और सारी बातें भारत सरकार को बता दी है। बिल्कुल सर, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका पाशा जी, लगातार आप किसानों की बात करते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, इसीलिए आज हमने आपको बुलाया ताकि एक बार फिर से ये बातचीत हो, ताकि फार्मर जो अभी अपनी फसल लेकर अभी मंडियों में आ रहे हैं उनके ऊपर मार ना पड़े। हम सबका मकसद एक ही है, देखते हैं इसके ऊपर क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।